भारत और नेपाल सीमा की स्थिति पर एडीजी जोन दावा शेरपा ने कहा कि भारत और नेपाल सीमा पर तनाव बना हुआ था, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन बॉर्डर पर अभी भी स्थिति संवेदनशील है। पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए। एडीजी दावा शेरपा ने कहा कि कोई भी नागरिक भारत और नेपाल के मुद्दे पर किसी के बहकावे में ना है, ना ही कोई इस पर गलत कदम उठाए। दोनों देशों ने अपने अपने सीमा पर फोर्स को बढ़ाया है। हम लोग बॉर्डर पर विशेष चौकसी बरत रहे हैं क्योंकि अधिकतर अपराधी अपराध करके नेपाल भाग जाते हैं, उन लोगों की भी तलाश जारी है। संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एडीजी जोन दावा शेरपा ने कहा, देखिए कुछ विषयों को लेकर जिसे कालापन इत्यादि को लेकर कुछ तनाव रही है, अभी थोड़े से इस तनाव में कमी देखी गई है। फिर भी हम लगातार बॉर्डर क्षेत्र में इस बात को लेकर संवेदनशील है और उसको लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं कि गलतफहमी में या किसी के बहकाव में आके नागरिक लोग, विशेषकर आस पड़ोस के नागरिक लोग में किसी प्रकार से कोई झड़प या विवाद या लड़ाई इत्यादि न होने पाए। अब देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति ऐसे विषय हैं जिसमें लोग बहुत जल्दी आक्रोशित होते हैं। तो कई बार नेपाल पुलिस के साथ वहाँ के जो बॉर्डर में जो आपने टेंट की बात की है, वो उनके सशस्त्र बल है, जैसे हमारा PAC, कई बार कहा गया कि वहाँ सेना तो सेना नहीं है, उनके सशस्त्र बल यानी कि आम पुलिस जो उनका है, उन्होंने भी अपना कैंप लगाया है और ज़्यादातर कैंप तो कोविड के समय से ही लगे हैं। अब चूँकि संवेदनशील है तो उन्होंने भी अपने पुलिस प्रेजेंस बॉर्डर क्षेत्र में बढ़ाया है, हमने भी अपनी सक्रियता वहाँ रखा है और इसके साथ ही कई बार बड़े अपराधी जो कहीं से भाग के नेपाल जाने का प्रयास में लगे रहते हैं, वो भी हमारी नज़र में।